हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। आज अपना जो लेक्चर है ये हैगा एरिया अंडर कर्व 5। एरिया अंडर कर्व 5, ठीक है जी। सो एरिया अंडर कर्व ये 5 नंबर लेक्चर हैगा जी थोड़ा, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आप जिन्ने 4-5 क्वेश्चन करने हैं ना, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कटना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कढ़ना, डिफरेंट डिफरेंट केसिस करांगे एरिया ऑफ ट्राइंगल दे। तो को तुहानू मैं 4 क्वेश्चन कराने ने एरिया ऑफ ट्राइंगल दे, चारों के विचों एक तुहानू पेपर दे विच आ जाना है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस बार 2021 दे विच मार्च विच मोस्ट मोस्ट एक्सपैक्टड क्वेश्चन रहेगा ये थोड़े को, ठीक है जी। सो इस करके जड़ा है बहुत ख्याल नाल देखना, ठीक है। तो पहला नंबर है आपा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना, ये पहला बहुत बार आया। वर्टिसेस की ने, वर्टिसेस हैगिया ने 2,0 एक, 4,5 दो, 6,3 तीन। तो ये ओदिया वर्टिसेस दिती हैं, यानी कि जेरी टाइप 1 होएगी वो तो उन्हों वर्टिसेस दे देते जाएंगे, ठीक है। तो वर्टिसेस देती हैं तो आपने क्या करना है। सो मैं ट्रायंगल बनाना जी पहला थोड़े को, ठीक है। सो अगर मैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लवा, ठीक है, और तुसी की करना, तुसी ग्राफ ते बनानी है, हुणे आदत पा लेनी है ग्राफ ते बनाउण दी। अगर तुहानू पॉइंट दित्ते होण 2,0 एक्स 2 इधर चलिया 0 उत्ते नूं, यानी कि गया ही नहीं कितने। 4,5 एक 3, 4, 5 उपर नूं चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 इत्थे का जाएगा। सो रफली ग्राफ उत्ते बहुत शानदार इमेज बननी है दी। सो 4,5 हो गया जी, अगे 6,3 इत्थे 5 इत्थे 6, 6,3 यानी कि 3 दे सामने इत्थे 6 इत्थे 3। सो 6,3 हो गया जी। सो 3 ले ले जी। हुण आपां ने क्या करना है, इन्हां नूं जॉइन कर देना है। ट्रायंगल तो बनानी बनानी है, ठीक है जी। सो ये ट्रायंगल तुहाडी बन गई। जदों तुहाडी ट्रायंगल बन गई उहदा तुसीं नां रख लिया ए बी, बी कौन है 4,5 ते सी 6,3, पॉइंट जरूर लिखने ने। उस तो बाद तुसीं हर एक किनारे तो प्रोजैक्शन ड्रा करनी है। परपेंडिकुलर ड्रा करना मीनस नीचे प्रोजैक्शन दिखानी हुंदा। सो परपेंडिकुलर तुसीं इत्थों भी ड्रा कर लेना। सो परपेंडिकुलर डॉटेड कर देईदा हुंदा क्योंकि वो पता लग जाता भी एक्स्ट्रा एरिए दी लाइन नहीं हैगी, ये कुछ समझाण लई ड्रा कीती गई है। तो ठीक है जी, परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। बहुत ध्यान नाल समझना जी, 3 या 4 क्वेश्चन इहदे उत्ते कराने ने, ते मतलब बड़ा सौखे तरीके नाल करा रहे हैं, कोई एड्डी लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं। और मेन चीज़ है कि मैं तुहानूं इस नूं वेरीफाई करना सिखाना एंड विच, और एक सेकंड च वेरीफाई हो जाता तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो मतलब जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल एक सेकंड नहीं, मतलब एक मिनट च वेरीफाई हो जाएगा, एक सेकंड तां एक मिनट तां एक हो जाता। तो हुण आपां सब तो पहलां क्या करना है, जदों सानूं एरिए दी गल आउंदी है, एरिया वाई डी एक्स एक्स डी वाई हुंदा है, तां पहलां तुसीं देखणा क्या ये एक्स एक्सिस ते बाइंड कीता जा सकदा। यस, आह वाली लाइन है, जे दा एक्स एक्सिस ना करिए, इन्हें इस किनारे ते इस किनारे दे अंदर आ सारा कवर कर लेना, इहदा मतलब ए वाली लाइन सारा कवर कर लेगी। यस, ठीक है, आह वाली जिहड़ी लाइन है वह आ सारा कवर कर लेगी, इहदा मतलब तुसीं क्वाडिलेटरल दा तां कवर कर लिया। आह वाली लाइन डिलीट हो जाएगी तो रिक्वायर्ड उपर ला आ जाएगा। दोबारा देखो, इस लाइन ने यह सारा कवर कर लेना हैगा जी तुहाडे कोल, इस लाइन ने आ सारा, तो मैंने जे मैं इहनूं दब लवां तुहाडे कोल यह सारा कवर हो जाना तुहाडे कोल, ठीक है जी। क्योंकि जिथे वह परपेंडिकुलर आया हुंदा उहदे अंडर सारा प्रोजैक्शन एरिया हुंदा जिथे तक गिरिया सारा, तो आह वाली चीज़ है, ये 2 परपेंडिकुलर आ ने, यह सारा हो गया, तो जो दोनों जोड़ोगे क्वाडिलेटरल का बन जाना। आह लाइन की गल करोगे तो आह सारा डिलीट कर दो, यदा मतलब 2 लाइना का एरिया जुड़ेगा तो तीजी का डिलीट होगा। हुण सब तो वड्डा क्वेश्चन अराइज हुंदा लाइना कितने ने। सो लाइना तो कितने नहीं है। तो पहला अपन इक्वेशन ऑफ ए बी कढ़नी पेगी, इक्वेशन ऑफ ए बी। सो इक्वेशन ऑफ ए बी, ए कौन है जी 2,0, बी कौन है जी थोड़े को 4,5, ठीक है। पहला आप स्लोप कढ़ते हैं, स्लोप होंगी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 4 माइनस 2, x2 माइनस x1 यानी कि 5/2 स्लोप होगी। हूँ इक्वेशन y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1,
सो वाई माइनस वाई वन, वाई वन कौन है जी, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है, सो वाई वन जीरो, एम 5/2, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन 2, सो वाई इज इक्वल टू 5/2 एक्स माइनस 2, ये तुहाडी पहली इक्वेशन होगी तुहाडे कोल। हाँ जी ठीक हो गया जी, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा पहली इक्वेशन साडी तैयार होगी, इहनूं असीं इक्वेशन ऑफ ए बी कहिंदे आ। ठीक है हुण असीं इक्वेशन ऑफ बी सी तैयार करनी हैगी, मैं दोबारा एरिए ध्यान ना पहलां इक्वेशनस तैयार कर लिए। इक्वेशन ऑफ बी सी, तो बी हैगा तुहाडा 4.5 और सी हैगा तुहाडा 6.3, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, एम की निकलूगा वाई टू, एम वन पा लो कोई दिक्कत नहीं, वाई टू माइनस वाई वन, 3 - 5 नीचे एक्स टू माइनस एक्स वन, सो -2 नीचे 2 आंसर -1। तो फार्मूला होंदा वाई माइनस वाई वन, वाई वन कौन है 5 इंटू एम, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन हैगा 4। ठीक है जी, तो इहदा मतलब जिहड़ी मेरी दूजी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 + 5, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9, ये मेरी दूजी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ बी सी। ये मतलब तीजे नंबर पर मैं की कढ़नी है, इक्वेशन ऑफ ए सी। ये सौखा बहुत है पर ये कैलकुलेशन मार जाती है बंदे, इस करके बहुत ही ध्यान नाल चलना है, और लास्ट विच मैं तुहानू वेरीफाई करके दिखाऊंगा, उस तरह तुसीं वेरीफाई भी करना है, मतलब अपनी सहूलत लई पेपर वाला नहीं कहिंदा। सो इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ बी सी हो गई सी जी तुहाडे पास, नहीं बी सी कढ़न, बी सी कर ली आपां, इक्वेशन ए सी, इक्वेशन ऑफ ए सी, तो ए पॉइंट केड़ा सीगा मेरा 2.0 है ना, सी पॉइंट मेरा की सी 6.3, तो स्लोप एदी होगी तुहाडे कोल एम टू कह लो, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू 3 - 0, 6 - 2, 6 - 2 4, सो 3/4 यदि स्लोप होगी। तो y माइनस वाई वन 0 है ना, m 3/4 इंटू एक्स माइनस, ठीक है एक्स वन 2, सो y इज इक्वल टू 3/4 एक्स माइनस 2, सो 3/4 जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आ वाला तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो ये चीज़ होगी साड़ियाँ तिने लाइना आ गई। ठीक है हुण आपां लिखना रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, सो रिक्वायर्ड एरिया लिए दोबारा आ जाओ, इतने पहला लाइन ए बी है ना, 2 - 4 वाई डी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस ना बाइंड करना है लाइन ए बी का, सो 2 - 4 वाई डी एक्स लाइन ए बी प्लस, ठीक है बी सी, बी सी आ है ए बी प्लस, ये अंडर सारा ले लिया, बी सी के अंडर सारा ले लेना, 4 - 6 वाई डी एक्स बी सी, ठीक है 4 - 6 वाई डी एक्स बी सी लाइन बी सी, माइनस वाई डी एक्स लाइन ए सी, ए सी कितों शुरू होंगे 2 - 6 तक, सो तुहाडे कोल 2 - 6 लाइन ए सी, सो ये सारिया चीज़ा आपां ने रिक्वायर्ड एरिए लिख लिया। हाँ जी लिखिया गई जी रिक्वायर्ड एरिए दे विच तुहाडे कोल। ठीक है सो मैं तुहानू कहा सी 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, ईवन 2 क्वेश्चन करते 25 मिनट हो जाने ने। ठीक है सो 2 - 4 वाई डी एक्स, ठीक है इतने आया 2 - 4 वाई डी एक्स लाइन ए बी, ए बी भी कि निकाली सी, वाई इज इक्वल टू 5/2 एक्स माइनस 2, सो यह हो गया 5/2 एक्स माइनस 2। ठीक है जी प्लस बी सी, बी सी आ निकाली सी जी, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9, ठीक है 4 - 6 माइनस एक्स प्लस 9, ठीक है जी माइनस 2 - 6 एदी की निकाली सी 3/4 एक्स माइनस 2, सो 3/4 एक्स माइनस 2 नाल डी एक्स नाल डी एक्स नाल डी एक्स, सो बाई चांस रह जाए तुसी आप लिख लो, डी एक्स की बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है, सो 5/2 तो कढ़ दिए आप बाहर, आंसर आ गया एक्स स्केयर 2 - 2x, ये थोड़ा आंसर आ गया 2 - 4, इस तरह माइनस एक्स स्केयर 2 + 9x थोड़ा आंसर आ गया 4 - 6, इस तरह 3/4 बार एक्स स्केयर 2 - 2x, ये थोड़ा 2 - 6 आंसर आ गया। ठीक है जी सो ए वाली चीज़ होगी जी, सो हूँ 5/2, ठीक है अपर माइनस लोअर, 4 - 16 16 डिवाइडेड बाय 2, देखो ध्यान ना समझो 4 - 16 16 डिवाइडेड बाय 2 8, ठीक है -8, सो ये तो खत्म हो गया, 2 2 का स्केयर
दो दस केयर चार, चार नू दो ने डिवाइड किया, दो दो दूनी चार, इतों थोनू वैल्यू मिल जाएगी। सो ये तुहाडी पहली वैल्यू जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल वो आ गई, ठीक है जी। तो अपन 5/2 थोड़ा बाहर ही रहना है, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा देख लो इतने चार का स्केयर 16, 16 नू दो ने डिवाइड किया 8, माइनस इतने 8, 8 माइनस 8 0, निशानी माइनस की अपर, चार चार नू दो ने डिवाइड किया दो दो चार, ठीक है जी। सो ये मेरी पहली ऑप्शन होगी। दूसरी ऑप्शन वो भी फिर आप एवं कर लें, तो 6 का स्केयर 36, 36 नू दो ने डिवाइड किया 18, तो 9 6 54। सो माइनस की निशानी, माइनस 4 का स्केयर 16, माइनस 8 नौ चौका 36। सो आ वाली ऑप्शन भी होगी साड़ी क्लीयर। लास्ट ऑप्शन 3/4, 6 का स्केयर 36, 18, तो 6 दूनी 12, निशानी माइनस थी, 2 का स्केयर 4, 2 माइनस। सो ये तीन ऑप्शन आ गई जी अपनी थोड़े को। इस इन ऑप्शन हूँ आपने किस तरह एक्सप्लोर करना तो कितना कैलकुलेशन करनी है। तो लो जी पहली वाली आ गई थोड़े को, आता हूँ देखो जोड़ा है थोड़े को पूरी कैलकुलेशन देख लो, 5/2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है जी। सो मैं स्कैच चेंज कर दिना भी तो उत्थे अगले पेज पर जाऊँगा तो फिर दिसनगिया नहीं कैलकुलेशन। सो आप एक कलर चेंज करके दिख लें। सो पहली पाली ने, अरे चलो जी चल पिया शायद, मैनू नहीं लग रहा, चलो। सो 5/2 है जी, सो 5/2 इंटू, हुण ध्यान ना देखियो जी, चार विच दो के माइनस दो है ना, सो ये दो आ जाएगा। तो पहली कैलकुलेशन साड़ी जिहड़ी हैगी है वो आपने कर दिती है तुहाडे कोल। इहदा मतलब तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा देखो 8 वाला तो 0 हो गया तुहाडे कोल, ठीक है। कलम मैं तां नहीं लिख रहा, घसमाण पै जाणा, पर दूजे अच्छे नहीं चल रहे, ठीक है। 8 माइनस 8 0, 4 विच दो माइनस दो प्लस दो, ठीक है जी। तो 5/2 ने प्लस दो ने गुणा, ठीक हो गया। सो अगली ब्रैकेट की हुई, सो मतलब इस ऑप्शन एदा इस सारी ब्रैकेट का जो आंसर है वो 5 आ गया, ठीक है जी। हुण अगली ब्रैकेट देखो आप, 54 चो 18 घटाए 36, 36 ना 36 देखो 54 चो 18 घटाए प्लस 36, आ माइनस 36, 36 ना 36 कैंसल, दूजी ब्रैकेट चो सानू प्लस 8 मिल जाना, ठीक है जी। तो अगले वाला तीसरे वाला, तीसरे वाला 18 चो 12 गए 6, 18 विचो 12 गए 6, 6 विच दो जोड़े 8, ठीक है। सो 8, 8 नू गुणा की 3/4 ना माइनस 6, सो 5+8 माइनस 6 7 स्केयर यूनिट्स थोड़ा आंसर आ गया, ठीक है जी। हुणे आंसर मैनू नहीं पता भी ठीक है कि मैनू नहीं पता गलत है, हुण आपां इसनों वेरीफाई करना होवे। मान लो पेपर तुसी आ कढ दिता, तुहाडे कोल एक ठीक ठाक ढंग नाल तुसी रफ वर्क बैकसाइड ते कर सकते हो, उन्हें हैडिंग लिखना हुंदा रफ वर्क, या फिर एक पासे मार्जिन दे के उत्थे रफ वर्क कर सकते हो। हुण पता क्या है, तुहानू ना पहले लैसन च ये पढ़ाया वे 1/2 लिख लो, ठीक है जी। उस तो बाद उहदे कोआर्डीनेट्स लिख लो, पहला सीगा 2,0, दूजा सीगा 4,5, ते तीजा सीगा 6,3। एक मिनट तो जा फिर 1,1,1 डाल दो, इनू एरिया ऑफ ट्रायंगल कहिंदे ने, इथोनू पता है। सो फटाफट करिए जी आपां, तो पहला आ गया तुहाडे कोल 2, हाँ जी 2, आ चीज़ छड्डी गई, सो 5-3, मेरा ख्याल है दूसरी टर्म है ही 0, सो कोई रौला है नहीं। तीसरा 1, इनू ऐ लिया, इनू ऐ लिया, 12-15, ठीक है जी, 12-15। सो अगर 1/2, सो ए बन गया 4, ए बन गया, लेना एबसोल्यूट ही होंगे, नैगेटिव तो आप लेना नहीं, ठीक है जी। सो ए वाला जोड़ा है थोड़े को माइनस का 3 आ जूगा, ठीक है जी। इट मीनस आप एरिए गलती की, पहला आप देख लिए जी कोआर्डीनेट्स, 2,0 ही है, ठीक है जी, 4,5 ही है अगला, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी। तो तीसरा जोड़ा है 6,3 है जी, 6,3 है, 1,1,1 रख लिया, ठीक है। सो पहला 2 लेना है, आ छड़नी है तो आ छड़नी है, सो 5-3 2 टाइम्स, ठीक हो गया जी। उस तो बाद दूजी टर्म तो 0 है, तीसरे वाला आ लेना है थोड़े को, 12-6,5 30 है, ठीक है, 12-6,5 30। सो ये 4 आ गया जी, ठीक है। उस तो बाद आप कर लिया 18, सो जदों 18 कर लिया तुहाडे कोल, तो जिहड़ा हैगा ये आ गया तुहाडे कोल माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 2, सो 7 आ गया। लैनी हमेशा एबसोल्यूट वैल्यू हुंदी है, तो इहदा मतलब 7 तुहाडा आंसर सही है,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਟਾਈਪ ਟੂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਟਾਈਪ ਟੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਈ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਾਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਏਰੀਆ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਉਸਨੇ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਈ ਇਜ ਇਕਲ ਟੂ 2x+1 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਈ ਇਜ ਇਕਲ ਟੂ 3x+1 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਐਕਸ ਇਜ ਇਕਲ ਟੂ 4 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਹੂਜ਼ ਸਾਈਡਜ਼ ਆਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 1, 2 ਅਤੇ 3। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਫ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 2x+1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 3x+1 ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 4। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਅਰੇ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਓਰੀਜਨ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਐਂਡ 2 ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2x+1 ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 3x+1 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 2x+1, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 3x+1। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 3x=2x। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਕਸ ਐਕਸ ਕੱਟ ਦਿਉ 3=2 ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤਰਫ ਲਿਆਓਗੇ 3x-2x=0, x=0। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਕਸ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸ 0 ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵਾਈ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ, ਸੋ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2×0+1, ਸੋ y1। ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 0,1 ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ mx+c ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ 0,1 ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ 0,1 ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਅਗਰ ਐਕਸ 0 ਹੈ ਤਾਂ y1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ y0 ਲੈ ਲਾਂ ਔਨ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤਾਂ ਐਕਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, -1/2। ਅਗਰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ y0 ਲੈ ਲਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1/2 ਹੋਊਗੀ। ਸੋ -1/2 ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਚੱਕ ਲਾਂ ਇਹਨੂੰ, -1/2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 2x+1, ਔਰ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਐਕਸ 0 ਤਾਂ y1 ਹੈ ਪਰ ਉਹ 3 ਹੈ, y=3। ਸੋ ਜਦੋਂ y0 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਊਂਗਾ ਮੈਂ y0, ਸੋ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1/3, -1/3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ 1/2 ਤੋਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਐਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ -1/3 ਅੱਧ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਐਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਐਰੋ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦੌੜ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ x=4, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, x=4। ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ x=4। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜੇ x=4 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, 4×2=8 ਅਤੇ 1=9, ਸੋ ਇਹ 4,9 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ।
अगली बार चार पर आता 4,13 आ जाएगा। सो अगर एक्स की वैल्यू 4 इतने पर आ, मतलब आप पहली दूजी सॉल्व करनी सी कर ली, दूजी तीजी भी तो सॉल्व करनी सी ना 2 एंड 3। सो 2 एंड 3 सॉल्व करोगे तो वाई इज इक्वल टू 3 × 4 + 1, तो 4,13 आ जाएगा। तो जे मैं तीजी पहली सॉल्व करा 3 एंड 1 सॉल्व करा, तो फिर उत्थे वाई की वैल्यू 4 फिल करे थे 2 × 4 + 1, सो 9 आ जाएगा। तो यदा मतलब मैनू पॉइंट चाहिए सी, तो पॉइंट अपने कर ले। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आवे ना तो फाइंड द एरिया, ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ नहीं करीदा, जो पॉइंट लभ गए उदो एरिया डिटरमीनेंट ना कढ़ के आंसर टिक कर दो। हुण जे आपां इत्थे देखिए आता वाई ए सीधी हुई है ना लाइन, इस बार इस लाइन का रोल खत्म हो गया, ठीक है। क्यों रोल खत्म हो गया, ये तो बिल्कुल सीधी है, ये एज ए प्रोजैक्शन काम इन्हें ही कर देना है, ठीक है। प्रोजैक्शन ना होंगे पर एक किनारा होंगे प्रोजैक्शन का। तो यह मतलब है जे मैं यदा ना ए दे दाँ थोड़े को, ठीक है जी, तो यदा ना बी दे दाँ, तो यदा ना सी दे दाँ, तो सब तो पहला तुसी ए सी निकाल लो, ए सी दे विचो ए बी वाला एरिया डिलीट कर देना, ए बी वाला निचला सारा एरिया हो जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन आटोमैटिकली हो जाना है थोड़े को, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है तुम्हें समझ आ जाएगी, एरिया अंडर ए सी, ए सी दे अंडर आ सारा एरिया आ जाना, ठीक है जी। ए बी दे अंडर आ सारा डिलीट हो जाना, थोड़े को गल खत्म हो गई थोड़े को, ठीक है। तो आप जो है थोड़े को रिक्वायर्ड एरिया क्ढना है, सो रिक्वायर्ड एरिया जोड़ा है थोड़े को होएगा थोड़े को 0 तो चलिए, एक्स की वैल्यू 0 है जी, 0 तो चलिए 4 तक चलिए, 0 तो चलिए 4 तक चलिए, वाई डी एक्स नीचे लिखो लाइन ए सी माइनस 0 तो चलिए 4 तक चलिए, वाई डी एक्स लाइन ए बी, ठीक है जी। सो डिस्टर्ब ना होना जी, डॉगी की आवाज़ आ रही है, मेरे को हल नहीं है एक किसी का, क्योंकि चारे पासे सब गवांढ़ियों को डॉगी है और हर टाइम भौंकते रहते हैं, कुंडे मेरे सारे बंद हैं थोड़े को, स्टिल इन्नी उच्ची भौंकते हैं कि आवाज़ा आई जाने, ठीक है। सो लाइन ए सी वाई डी एक्स 0 तो 4 थोड़े को आ वाली चीज़ आ गई जी। सो अगर आ वाली चीज़ आ गई थोड़े को, सो 0 तो 4 है ना वाई डी एक्स लाइन ए सी, ठीक है जी। अब लाइन ए सी, ए सी की इक्वेशन आपको पता है ना थोड़े को की हैगी, ए तो सी 3x + 1 वाली सी, ठीक है, माइनस ए बी, ए बी नीचे वाली सी 0 तो 4 2x + 1 dx, ठीक हो गया जी। सो ए वाली चीज़ होगी थोड़े को, अगर आ वाली चीज़ होगी थोड़े पास, हूँ आपने सिर्फ कैलकुलेट करना, ये बनेगा 3x² / 2 + x - 2x² / 2, कट्ठा कर दो, लिमिटा सेम नहीं ना, -x 0 तो 4, फिर लिमिट कटिंग की लोड वो नहीं ना पैंती थोड़े पास भरन की, ठीक है। तो यदा मतलब की हो गया थोड़े को, ठीक है, 1/2 तुसी बाहर निकाल दो, इतने की बचेगा 3x² - 2x² 0 तो 4, 1/2 x² 0 to 4, ठीक है जी। सो 16 - 0 1/2, सो 8² यूनिट्स क्वेश्चन आ गया। हुण क्या ये आंसर सही है, आप अपनी उन्होंने देखिए थोड़े तो पास, आप दोबारा उठा लिए। सो पहला पॉइंट है 0 1, दूजा पॉइंट है 4 13, तीजा पॉइंट है 4 9, 1 1 1 इतने लिखता, 1/2 आप लिख लिया। सो 1/2 लिख लिया, नैगेटिव पावा पहला तो 0 है, सो 13 - 9 प्लस पावा, देखो आता 0 से खत्म हो गया ना, यदि बारी आई सो नैगेटिव पाएगा 4, मैं की करता एक मिनट रुको, पहला तो खत्म हो गया सी ना, तो जोड़ा है तो गलत लगता। सो पहला खत्म, दूजे की वारी है, दूजी वारी यदा मतलब ए रो तो ए कॉलम छड़िया जाऊगा, सो 4 - 4 ये तो 0 है, तीजे की वारी आ तो आ छड़िया गया, 9 × 36 = 13 × 52, ठीक है। सो 1/2 आ गया जी, मॉड च ही लैना है 52 16 का फर्क पै जाएगा, मॉड च लैना तो +60। सो यदा मतलब है आंसर टैली कर गया, ठीक है जी। सो ये दो क्वेश्चन थोड़े हो गए जी, नैक्सट लैक्चर से एक क्वेश्चन होर करवा दाँगा थोड़े को, जो वाई तो बाइंड हों, इस अलावा क्वेश्चन कोई नहीं जो पेपर चाहता, ठीक है जी। थैंक यू।